जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, पुलिस पहले से और चौकस दिखाई दे रही है। पुलिस ने नाकों की संख्या और गश्त बढ़ा दी है। इसी कड़ी में करनाल पुलिस ने सेक्टर 12 पेट्रोल पंप के समीप दुपहिया वाहन चालकों को रोककर उनके कागजात तैयार किए। इस दौरान जो भी चालक संदिग्ध रूप से घूमता मिला उसे पूछताछ भी की गई। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया के दिशा निर्देश अनुसार जिले भर में सुरक्षा के तहत दुपहिया वाहन के चालान काटने के अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए वाहनों के कागजात चेक किए गए एवं मास्क लगाने के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उसी कड़ी में आने जाने वाले वाहन चालकों के कागजात चेक किए जा रहे हैं और बुलेट मोटरसाइकिल पर जो युवा पटाखे छोड़ते हैं उनके चालान विशेष तौर पर काटे जा रहे हैं। खासतौर पर जेब्रा क्रॉसिंग पास करने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है एवं चालान काटकर उनको यातायात के नियमों का पालन करने की भी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जेब्रा क्रॉसिंग करने का चालान 5,000 रुपये का है और बुलेट के पटाखे छोड़ने का चालान 10,000 रुपये का है, इसलिए अपने वाहन को ठीक से मोटिवेटेड करवाएं और पटाखे ना छोड़ें, जिससे वातावरण में वॉइस पॉल्यूशन बढ़ने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि समय समय पर जिला पुलिस इस तरह के अभियान चलाती रहती है, जिससे कि शहर में हो रही आपराधिक घटनाओं पर भी नकेल कसी जा सके। कुछ कहेंगे आज जो चलानी कार्रवाई की जा रही है? देखो, ये जो लाइट क्रॉस करते हैं, बगैर लाइट के क्रॉस कर देते हैं, एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आज ज़्यादा जोर इस पर रहेगा। अफसरों के आदेश है कि भाई लाइट के चलान करो, तो लाइट का इशारे को नहीं समझते उन लोगों के चलान किए जा रहे हैं बगैर हेलमेट के, और जो बुर्ट खासकर पटाखे मार के चलते हैं बुर्टों को चेक किया जा रहा है। मास्क का भी किया जा रहा है? मास्क के भी चलान किए जा रहे हैं। तो जो जेब्रा क्रॉसिंग पार कर उनका कितने का चलान है? जेब्रा क्रॉसिंग का 5,000 रुपये का फाइन है और बुर्ट जो पटाखे मारती है उसका 10,000 रुपये का फाइन है। तो मैं आप लोगों से भी और जो जो आपके माध्यम से जुड़े हुए हैं इस लिंक से, उनके पेरेंट्स को भी यही देना चाहेंगे कि भाई बुलेट के जो है ना उसमें मॉडिफाइड ना कराएं साइलेंसर में, ये पटाखे मारती है, इसका फैन बहुत भारी है। तो कृपा करके अपने बच्चों को समझाएं और अपने बुलेट को खासकर संभाल के रखें और मिस्त्री से उनको एक्यूरेट और जेनुइन ही रखें ताकि वो पटाखे ना मार। सर, ये फ़ोन वाला मामला समझ नहीं आया मुझे आज तक कि ये फ़ोन पर क्या बात कराते हैं और क्या ज़रूरी होता है ये फ़ोन पर बात कराना? देखो, जब आदमी फंस जाता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या उसकी गलती है या वो ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए पकड़े जाता है, तो हर आदमी अपने बचाव के लिए फ़ोन कराता है। लेकिन हम उस फ़ोन की परवाह नहीं करते जी। हमें ये देख लिया कि भाई इसने लाइट चमकी है या ट्रिपल लाइटिंग है या इसकी बोर्ड पटाखे मारे तो उसका चलान होगा, भले ही वो कितने फ़ोन करा ले। उसके लिए कर्मचारी कहीं ना कहीं जो बिना मास्क होता है वो बाद में मास्क लगा लेता है, फोटो खींची जाती है, पहले फोटो ले लेते रहते उसी मास्क के दौरान चलान करते हैं हम। जैसे कोई गाड़ी में है या बाइक पे है उसका पहले फ़ोटो लिया जाता है ताकि वो ये ना कह सके भाई मैंने मास्क लगा लिया था, क्योंकि जो लोग यहाँ जब मास्क का चलान कटाने आते हैं तो यहाँ तकरीबन मास्क लगा के ही आते हैं कि भाई मैंने देखो सर मास्क लगाया हुआ है, फिर उसको उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है, तब वो जाके शर्मिंदा होकर चलान कटाता है, अन्यथा कोई इतना खुश होकर नहीं कटाता है मैंने मास्क लगा रखा है। झूठों की कमी नहीं है यहाँ, पुलिस को ही झूठा साबित करते हैं, पब्लिक सच्ची होती है, हमें ही झूठा साबित करते हैं, फोटो दिखाते हैं फिर सॉरी मानते हैं। कई बार क्या होता है कि चलान आपको देखकर मुलाजिम बैठे होते हैं तो पीछे टर्न करने की कोशिश करते हैं, बाइक हो या गाड़ी जितनी स्पीड से आ रही है उतनी स्पीड से बैक ले लेता है वो गाड़ी, दूसरों का नुकसान। ये कई बार अक्सर होता है कि जब आगे चेकिंग चल रही होती है बुलेट वाले या ट्रिपल राइडिंग वाले या बगैर हेलमेट के या बगैर डॉक्यूमेंट्स के वाले जो शरारती तत्व हैं, बच्चे हैं जो यंग उम्र के हैं खासकर, वो लोग ये हरकत करते हुए कट मारे वापस टर्न कर लिया, वापस टर्न करते समय कई बार एक्सीडेंट भी हुए हैं, हमारे भी मुलाजिमों को चोटें लगी हैं, तो उसका भी डेंजरस ड्राइविंग में आता है जिसका फाइन भी बड़ा महंगा है, 10,000 रुपये उसका फाइन है। डेंजरस ड्राइविंग जो वापस टर्न करके किसी के साथ एक्सीडेंट करता है 10,000 रुपये फाइन। कहाँ चलान काटा जा रहा है सर आज? आज सेक्टर 12 की बत्ती पे मटका चौक जिसको बोलते हैं यहाँ चलान किया जा रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.